और कोरोना की वबा, अपोजिशन लीडर का कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इजलास बुलाकर वाजे किया जाए कि लॉकडाउन होगा या नहीं, कौम को शक में डालना मसाइल पैदा करने वाली बात है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्क में लॉकडाउन से मुतालिक फैसले के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिताब ने कौमी सलामती के अहम फैसलों से मुतालिक सवाल उठा दिए हैं, हुकूमती हिकमत अमली वाजे की जाए, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाकर वाजे किया जाए कि लॉकडाउन होगा या फिर नहीं। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि कौम की जान बचाने की कौमी हिकमत अमली बच्चों का खेल नहीं है, कौम को शक में डालना इंतजामिया और अवाम के लिए मसाइल पैदा करने वाली बात है। कोरोना रिलीफ फंड की तरसील के लिए फौरी पार्लियामानी मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दी जाए, सेहत की कायमा कमेटी का वीडियो लिंक पर फिल फौर इजलास बुलाया जाए।